सब्सक्राइब कीजिए हाईटेक दुनिया को और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम हाईटेक दुनिया। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने पीसी में एक बढ़िया सा म्यूजियम क्रिएट कर सकते हैं इजीली। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक बढ़िया से म्यूजियम को क्रिएट करने के लिए आपको पावर पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। गाइस, पावर पॉइंट सभी पीसी में अवेलेबल होता है, चाहे वो विंडोज 7 हो, 8 हो या फिर 10 हो। तो आपको अपने पावर पॉइंट को ओपन कर लेना है और आप जैसे अपने पावर पॉइंट को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आपके सामने क्लिक टू ऐड टाइटल और क्लिक टू ऐड सबटाइटल एक ऑप्शन नहीं आता है तो आप उस स्लाइड पर राइट क्लिक कीजिएगा, लेआउट पर जाइए और टाइटल स्लाइड को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये हो जाने के बाद आपको डिजाइन पर क्लिक करना है और आपको जो भी डिजाइन पसंद होगी उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो फॉर एग्जांपल मुझे ये डिजाइन पसंद आई है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और फिर क्लिक टू ऐड टाइटल पे हम क्लिक करेंगे और होम पे जाएंगे। और अगर आपको फोन चेंज करना हो तो आप फोन चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे इस फोन को चेंज करना है और साइज भी हम बड़ी कर लेंगे और कलर आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं माई क्विज गेम या फिर क्विज गेम। तो गाइज मैंने यहाँ पे क्विज गेम लिख लिया है और हमें क्लिक टू ऐड सबटाइटल पे क्लिक करना है और होम पे जाना है। और अगर आप चाहे तो फिर से फोन चेंज कर सकते हैं, साइज को अभी हमें बड़ा करना है। और यहाँ पे अगर आप चाहे तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखने वाले हैं स्टार्ट। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्टार्ट लिख लिया है। अभी हम होम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू स्लाइड का ऑप्शन आएगा, इस पे हम क्लिक करेंगे और अब हम क्लिक टू ऐड टाइटल इस पे क्लिक करेंगे और एक क्वेश्चन लिखेंगे जो बेसिकली क्विज में होता है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री। अभी हमें नीचे ऑप्शन दिख रहा है क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, इस पे हम क्लिक करेंगे और साइज हम इसकी बड़ी कर लेंगे और अगर आप चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम चार ऑप्शन देंगे या फिर आप पांच ऑप्शन भी दे सकते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चार ऑप्शन दे दिए हैं, इंडिया, कनाडा, रशिया, जापान। तो अब इनमें से इंडिया, कनाडा और जापान रॉन्ग आंसर है और रशिया जो है वो राइट आंसर है। तो अगर आप चाहे तो इसे मिडिल पे भी ला सकते हैं। तो मैं गाइस इसे मिडिल पे ला रहा हूँ, देखिए कुछ इस तरीके से। तो अभी हमें गाइस होम पे क्लिक करना है और फिर से न्यू स्लाइड पे क्लिक करना है और इसकी हमें लेआउट चेंज करके सेक्शन हेडर की स्लाइड से बदल देना है। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं रॉन्ग आंसर। तो जब भी हम रॉन्ग आंसर पे क्लिक करेंगे तो हम इस स्लाइड पे पहुंच जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अभी रॉन्ग आंसर लिख लिया है और नीचे हमें लिखना है प्ले आगे। तो हम जब भी प्ले आगन पे क्लिक करेंगे तो हम फिर से क्वेश्चन के स्लाइड पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी कर रहा हूँ प्ले आगन की। और यहाँ पे हम फिर से होम पे जाएंगे, न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएगा राइट, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं राइट आंसर। तो हम जब भी राइट आंसर पे क्लिक करेंगे तो हम इस स्लाइड पे पहुंच जाएंगे। तो गाइस अगर आप चाहे तो इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं इस क्विज को। तो मुझे इतना ही क्विज बनाना था, अगर आप चाहे तो इसे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो अब हमारा क्विज गेम बन चुका है, सिर्फ हमें छोटा सा काम बाकी है। अभी हमें फर्स्ट स्लाइड पे जाना है, जो स्टार्ट था उसे सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और हाइपरलिंक पे ऑप्शन पे क्लिक करना है और प्लेस दिस डॉक्यूमेंट में जाके नेक्स्ट स्लाइड पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो हम जब भी स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो हम इस स्लाइड पे पहुंच जाएंगे। तो अभी हमें जो भी रॉन्ग आंसर है उन्हें रॉन्ग आंसर की स्लाइड के साथ कनेक्ट कर देना है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इंडिया, कनाडा और जापान को रॉन्ग आंसर की स्लाइड के साथ कनेक्ट कर दिया है। अभी हमें रशिया को सिलेक्ट करूंगा, मैं राइट क्लिक करूंगा, हाइपरलिंक ऑप्शन में जाऊंगा और ये जो स्लाइड है राइट आंसर की उसके साथ कनेक्ट कर लूंगा। और अभी हमें रॉन्ग आंसर की स्लाइड में जाना है, प्ले अगेन को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और क्वेश्चन के स्लाइड के साथ कनेक्ट कर देना है। तो गाइस हमारा क्विज गेम बन चुका है, तो चलिए इसे देखते हैं। देखने के लिए हमें स्लाइड शो में जाना है, फ्रॉम बिगिनिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और ये देखिए हमारा क्विज गेम कुछ इस तरीके से बन चुका है। जैसे हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो हम क्वेश्चन के स्लाइड पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे मैं रॉन्ग आंसर को सिलेक्ट करता हूँ तो मैं रॉन्ग आंसर के स्लाइड के साथ कनेक्ट हो चुका हूँ। तो प्ले अगेन पे क्लिक करूंगा, ये देखिए फुली वर्किंग है। और राइट आंसर को जैसे क्लिक करूंगा तो ये देखिए राइट आंसर। और
एंड हो गए, तो ऐसे आप बढ़िया सा क्विज गेम क्रिएट कर सकते हैं। सेव करने के लिए आपको फाइल पे क्लिक करना है, सेव एज पे जाना है, ब्राउज पे क्लिक करना है और अपनी लोकेशन सेट करके इसे सेव करने से पहले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जैसा ऑप्शन आएगा आपको इस पर हमें क्लिक करना है और इसे पावर पॉइंट शो कर देना है और इसे सेव कर देना है। तो ऐसे आप बढ़िया सा क्विज गेम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लेके आते रहता हूँ। मिलते हैं ऐसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।